एक समय की बात है, एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था और उसका एक छोटा बेटा था। वह अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था, क्योंकि बेटे को कुछ ऐसी आदतें लग गई थी जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह जब भी अपने बेटे को कहता कि बेटा तुम इन आदतों को छोड़ दो, ये आगे चलकर परेशानी का कारण बनेगी, तो बेटा कहता कि पापा मैं समय के साथ साथ छोड़ दूंगा, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। ऐसे करते करते समय बीतता गया, उसकी आदतें भी बढ़ती गई। उसके पिताजी बहुत परेशान होते थे कि मेरा बेटा इन बुरी आदतों को कैसे छोड़ेगा। उन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया कि वो इस आदत को छोड़ दे। ऐसे करके कुछ दिन बीतते गए और उनके गाँव में एक पंडित जी आए। पंडित जी के बारे में सुनकर उसके पिता तुरंत उनके पास पहुंचे और अपनी सारी समस्याओं को बताया। जैसे ही पंडित जी ने उसकी समस्या सुनी, उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, कल अपने बेटे को मेरे पास लेकर आइए। अगली सुबह होते ही वो आदमी अपने बेटे को लेकर पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने कहा, आओ बेटा अपन बगीचे की सैर करके आते। पंडित जी उस बेटे को सैर कराने के लिए लेके गए। सैर करते करते उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, मुझे जो सामने पौधा दिख रहा है छोटा सा, उसे मेरे लिए लेकर आओ। बेटा तुरंत गया और उस पौधे को लेकर आया और पंडित जी को दे दिया। थोड़ी दूर फिर वह आगे गए और उन्होंने एक थोड़े बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि जाओ बेटा तुम इस पेड़ को लेकर आओ। वह तुरंत गया और उस पेड़ को भी उखाड़ कर पंडित जी को लाकर दे दिया। ऐसा पंडित जी ने दो तीन बार कहा। चौथी बार में पंडित जी ने एक पेड़ की तरफ इशारा करा जो कि दिखने में बहुत बड़ा और मजबूत था। पंडित जी ने कहा कि जाओ अब तुम इस पेड़ को लेकर आओ। बेटा सोच में पड़ गया। उसने हर कोशिश कर ली कि ये पेड़ को कैसे उखाड़े, लेकिन वह इस कोशिश में असफल रहा। उसके बाद वह वापस लौटा और पंडित जी को कहा कि पंडित जी मैं इस पेड़ को आपके लिए नहीं ला पाया क्योंकि यह बहुत बड़ा है। पंडित जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ऐसी ही तुम्हारी बुरी आदतें हैं, अभी जब यह छोटी हैं तो तुम इसे आसानी से उखाड़ फेंक सकते हो, लेकिन जैसे जैसे यह समय के साथ बढ़ती जाएंगी, इन्हें उखाड़ फेंकना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। बेटे ने उनकी बात तुरंत समझ ली और अपने मन से बुरी आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, बुरी आदतों को जब तक हम मन से सुधारने का या मन से छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक यह हमें नहीं छोड़ेगी। जब हम यह मन में ठान लेंगे कि हमें इन बुरी आदतों को छोड़ना ही है, फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम उसे आसानी से छोड़ सकते हैं।